अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक बार फिर सादिया गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर जावेद पब्लिशर्स के प्लेटफॉर्म से। आज हम कंटिन्यू करेंगे किड्स इंग्लिश ग्रेड 5 का चैप्टर नंबर 7, जिसका टॉपिक है अ कैंपेन। सो लेट्स स्टार्ट। वी विल बी डूइंग पेज नंबर 50 सेक्शन ग्रामर, इन विच वी विल बी लर्निंग अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। आपको पता है प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउंस, जिसके एग्जाम्पल है ही, शी, इट, वी, अस। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं दैट टॉक्स अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट का मतलब है नाउन, और इसमें नाउन में आपके पास, आपको पता है, पर्सन, एनिमल, थिंग, किसी भी चीज को आप नाउन कहते हैं। सो एनीथिंग दैट टॉक्स अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास वर्ड्स हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सारे वर्ड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स हैं। लेट्स सी इनको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। आई कट माई सेल्फ व्हेन आई वॉज कटिंग द फ्रूट। माई सेल्फ हियर इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बिकॉज हियर आप नोटिस करें जो आपका सब्जेक्ट है, जो नाउन है आई, वो अपने आप को एम्फेसिस करने के लिए, ये बताने के लिए कि मैंने अपने आप को कट किया, तो माई सेल्फ का यहाँ पे यूज़ हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने आई की बात दोबारा की, एक आई सब्जेक्ट हो गया और एक माई सेल्फ जो यूज़ हुआ है यहाँ पे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट इज डोंट ब्लेम योरसेल्फ, योरसेल्फ इज़ रिफ्लेक्सिव। ही कुक द फूड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ इज़ रिफ्लेक्सिव। Now we will fill in the blanks. A. Did you enjoy yourself at the party? B. I baked a cake myself. C. The cat crossed the road herself. D. They arranged the party themselves. E. My little sister dressed all by herself. Now we will be doing model verbs. हमने verbs की types पढ़ी हैं, मेन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, और ये हैं अब मोडल वर्ब्स। मोडल वर्ब्स की स्पेशलिटी ये होती है कि जब आप ये वर्ब्स यूज़ करते हैं, जिसमें एग्जांपल है कैन, कैन नॉट, मे नॉट, तो आप परमिशन या पॉसिबिलिटी की बात कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर आप कहते हैं आई हैव टू डू दिस, उसमें पॉसिबिलिटी की बात नहीं है, उसमें गारंटी की बात है कि आप ये काम करेंगे। लेकिन जब आप कहेंगे आई कैन डू दिस, आई मे डू दिस, आई माइट नॉट डू दिस, तो पॉसिबिलिटी के चांसेस हैं, शायद काम हो जाए, शायद ना हो। तो जहाँ पे जिस सेंटेंस में कोई डाउट शो करना होता है, वहाँ पे हम मोडल वर्ब्स यूज़ करते हैं। इसका यूज़ देखते हैं। यहाँ पे कैन और कैन नॉट हमने यूज़ किया है फॉर आस्किंग परमिशन। For example, can I go outside? And to express doubt, I cannot attend your birthday. जब हम किसी चीज़ पे prohibition लगाते हैं, किसी चीज़ पे हम ये कहते हैं कि ये काम बिल्कुल नहीं हो सकता और ना ही होगा, उसके लिए भी आप can का इस्तेमाल करते हैं। For example, you cannot abuse anyone. Abuse means saying bad things about somebody. इसी तरह आपके पास है मे या फिर मे नॉट, जिसमें इट मे रेन टुडे इज शोइंग पॉसिबिलिटी, एंड इट माइट नॉट रेन टुडे इट इज ऑल्सो शोइंग पॉसिबिलिटी। आपसे कहा गया है यूज द वर्ड्स इन सेंटेंसेस। आप स्टूडेंट्स की आसानी के लिए उन्हें एक ही सेंटेंस दें और उन्हें कहें कि इस एक ही सेंटेंस में मोडल वर्ब को चेंज करते जाएं, ताकि उनकी प्रैक्टिस भी हो जाए और उनको क्लैरिटी भी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, You can go to the party, you cannot go to the party. अब you can go to the party में possibility आ रही है और cannot में negative instruction आ रही है। You may go to the party, again doubt है, आप शायद जा सकते हैं। You may not, आप शायद नहीं जा सकेंगे, again negative possibility. आपके पास लास्ट एक्सरसाइज है प्रेपोजिशंस ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन। आप सबको पता है प्रेपोजिशंस आर कनेक्टर्स इन सेंटेंसेस। कोई भी ऐसा वर्ड जो सेंटेंस को कनेक्ट करे अबाउट प्लेस, टाइम,
मूवमेंट डायरेक्शन, उसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। चले प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन से फिल करते हैं इन सेंटेंसेस को। द कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स। नाउ दिस इज द प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। ही फेल ऑफ हिज चेयर, प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। वी गो टू स्कूल एट 7 o'clock, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। कहाँ जाते हैं हम? टू स्कूल। माई ग्रैंड फादर इज फ्रॉम स्कॉटलैंड, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ग्रैंड फादर, ही इज कमिंग फ्रॉम स्कॉटलैंड, तो ये डायरेक्शन हुई, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शंस में आप स्टूडेंट्स को ये भी बता सकते हैं कि उसमें लेफ्ट, राइट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के अलावा प्लेसेस भी आ सकती हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे जिक्र किया स्कॉटलैंड का, ऊपर स्कूल का जिक्र हुआ। आई वेंट टू द स्टोर विद माई फैमिली, प्रेपोजिशन ऑफ अगेन डायरेक्शन। विद होम डिड यू गो? विद योर फैमिली। थैंक यू एवरीवन, कीप लिसनिंग एंड कीप वॉचिंग। जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।